News 24. Think first. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। घर की बहू ने ससुराल में अपने बच्चों से मिलने की जिद पर घर में जमकर तोड़फोड़ की, खिड़कियों के शीशे तोड़ डाले, दरवाजे तोड़ डाले, ईंट पत्थर बरसाए, जो भी पास आया उस पर भड़क गई। हरियाणा के यमुना नगर में एक बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों चला। क्या बहू ससुराल में अपने बच्चों से मिल पाई? हाई वोल्टेज ड्रामे का सच क्या है, देखिए रिपोर्ट। यमुनानगर के गुरु तेग बहादुर नगर के इस घर के गेट को पत्थर से तोड़ रही ये महिला इसी घर की बहू है और इसके लिए ससुराल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन ये घर के अंदर जाना चाहती है। जब पत्थर से लोहे का गेट नहीं टूटा तो फिर ये बहू गेट को फांदकर कर अंदर जाने लगी। गेट के अंदर जाने के बाद उसने गेट को खोल दिया। इसके बाद बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हुआ। पहले डंडे से खिड़की के शीशे को मारा, फिर पत्थर से शीशे तोड़ डाले। गुस्साई ये बहू बार बार एक ही बात कह रही है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अंदर से फिर कोई नहीं निकला तो दूसरे कमरे के शीशे तोड़ डाले। इसके हाथ में तवा है, तवा से शीशे को तोड़ा। कोई इसके पास फटकने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। ये देखिए, एक लड़का घर की बाउंड्री के किनारे देख रहा है, तभी ये मारने के लिए उसकी ओर भी लपकी। इधर उधर घूमते हुए ये दबंग बहू हंगामा करती रही, चीख चिल्लाहट मचाती रही। तभी घर की ये बुजुर्ग महिला उसके पास उसे समझाने के लिए आई। लेकिन समझाने बुझाने का कोई असर नहीं हुआ और वो दरवाजे को तोड़ने लगी। तवे से दरवाजे पर वार करती और ससुराल वालों को बुरा भला कहती रही। आस पड़ोस के लोगों को जब लगा कि हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म नहीं होगा तो पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस वालों से बहू ने क्या कहा पहले वो सुनिए। मेरा ससुराल है, सारा कुछ है मेरा, यहाँ सामान भी अभी मेरा, यहाँ बच्चे भी यहाँ, घर वाला भी आया तो यही आऊंगी मैं। और कहा क्या गलती की मैंने, अपने ससुराल ही तो आई मैं, गाड़ी गलौज की तब मैंने तोड़फोड़ की। मेरे को अपने बच्चे चाहिए, इन्होंने धोखे से लिए थे मेरे को बच्चे। मैं स्कूल में गई दो तीन बार, इन्होंने स्कूल में बोल रखा कि कोई भी आई मिलने नहीं देना, मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। इसके बाद पुलिस वालों ने इसे बहुत समझाया लेकिन अपने बच्चों से मिलने की जिद पर ये अड़ी रही। तब पुलिस वालों ने घर वालों को समझा बुझा कर इसे अपने बच्चों से मिलने के लिए मिला दिया। ये उसी वक्त की तस्वीर है। माँ तो माँ होती है, जिस वक्त ये अपने बच्चों से मिल रही थी उस वक्त इसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। पहले पुलिस वालों को लगा कि बच्चों से मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन घर वाले अब इसे अपने घर में कतई रखने को तैयार नहीं है। दारू या पी ले फिर बता क्या करेंगे, सारा दिन नशे में रहा। लड़के के साथ लड़के तो मरना पड़े, बच्चे तो
बच्चा वाली पढ़ रही है ना, बच्चे तो मन्नू पढ़े है। बताया जा रहा है कि घर में तोड़फोड़ करने वाली इस बहू से न पति खुश है और न ससुराल वाले। बच्चों को ससुराल वालों ने रख लिया है और बहू को रखने के लिए तैयार नहीं है। पहले फोन आया था भाई कोई औरत है घर में तोड़फोड़ कर रही है, इस सूचना पे हम यहाँ पे आए हैं। इनका शादी का आपस में विवाद है, कोर्ट में इनका दावा चल रहा है, जैसे माननीय अदालत फैसला करेगी। ये ससुराल में आई है। पुलिस के बातचीत के दौरान बहू ने अपने मोबाइल में पति के संग गुजारे गए अच्छे पलों की कुछ तस्वीरें दिखाई, लेकिन पूरा मामला अदालत में चल रहा है, इसलिए पुलिस वाले भी क्या करते। बहू को समझा बुझाकर थाने ले गए और ससुराल वालों को भी थाने बुलाया और समझा बुझाकर छोड़ दिया। दरअसल जब से इस बहू को पति ने छोड़ा है तब से ये अपने मायके में रहती है। इन्होंने पागल बना के रख दिया मेरा, बताओ मजबूर हो के क्या करूं मैं। माँ मेरी बीमार पड़ी, बाप मेरा बीमार पड़ा, भाई मेरे दोनों छोटे हैं, बताओ क्या करूं मैं। लेकिन ससुराल वाले मानने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते कि जो तस्वीर अभी दिख रही है वही तस्वीर रोजाना घर में दिखे। तिलक भारद्वाज, यमुना नगर, न्यूज 24।